हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा। और जैसा कि इन दिनों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस, तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर। अगर आपने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर ये टॉपिक लिया, और इनफैक्ट आई एम वेरी थैंकफुल टू द चाइल्ड जिसने मुझे कहा कि सर आप इस टॉपिक पर कुछ वाइवा बेस्ड क्वेश्चन बनाइए, तो मैंने इस टॉपिक को पकड़ा और इस टॉपिक में से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन लिए जा सकते हैं वो सब के सब यहाँ पर आपके सामने रख दिए हैं। तो समझिए आपका काम काफ़ी इजी हो जाएगा क्योंकि आपकी अपनी तैयारी भी होगी। और साथ में ये भी कहूँगा आप मुझे मेरे दूसरे चैनल तरन सर ब्लॉग्स पर भी फॉलो करें, क्योंकि देखो मुझे अच्छा लगेगा जब ये तो एक गिव एंड टेक वाली प्रोसेस होती है। अगर आप मुझे रिस्पेक्ट देंगे मैं भी आपको दूंगा, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और अच्छा लगेगा। और दूसरी बात क्या है बच्चों कि आप फ्री माइंड होकर अपने कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट कीजिए रिगार्डिंग एकेडमिक्स, और इवन कोई और भी इशू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई जेंडर इनइक्वालिटी इज ऑफन ट्रीटेड एज नेचुरल। मेरे पास लैपटॉप में यहाँ आंसर लिखे हुए क्वेश्चन, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको नेचुरल भी क्यों कहा जाता है। तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है, जो हमारा हम कह सकते हैं कि एक बायोलॉजिकल या फिजिकल डिफरेंसेस हैं बिटवीन मेन एंड वीमेन, तो ये भी रीज़न है जिसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो नेचुरल मानी जाती है। कि देखिए जो मेल सोसाइटी है या मेन जो है वो स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू वीमेन, ऐसा सोच है इनफैक्ट सोसाइटी की कुछ जगह पर है ऐसा। लेकिन अब आपसे पूछा जा सकता है कि आप कुछ ऐसी सोसाइटी का एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पर मैटरनियल यानी जो मदर वाली साइड को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इसमें आ जाते हैं केरला की एक नायर्स हैं NAIRS, और दूसरे हैं खासीज जो कि मेघालयास के हैं। तो जहाँ पर फीमेल को या विमेन को इम्पोर्टेंस दी जाती है, हु लेड द एंटी सती कैंपेन एंड वेयर, सती के अगेंस्ट कैंपेन किसने लीड किया था, किसने चलाया था और कहाँ पर? तो राजा राम मोहन राय ने, लेकिन कहाँ पर चलाया था? बंगाल में, राजा राम मोहन राय, और दूसरा आंसर इसमें आएगा बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विडो रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो कहाँ चलाया गया था? बॉम्बे में, और चलाने वाले कौन थे इसको भी? ये जो है राणा डे हम कहेंगे यहाँ पर, नाम एक्सैक्ट लेंगे। ज्योतिबा फुले, उन्होंने किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा अटैक किया? यहाँ मैंने ऑलरेडी मैंशन किया हुआ है, उनका अटैक था कास्ट और जेंडर ऑपरेशन को लेकर, कास्ट के अगेंस्ट थी वो, जेंडर ऑपरेशन को लेकर जिसमें जेंडर इनक्वालिटी भी आ जाती है वो भी थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये बहुत सिंपल, यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है 1828 में, और किसके द्वारा हुई थी? आई थिंक सो ये तो आपको पता ही होगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि किसकी राइटिंग्स को राणा डे ने यूज़ किया? यूज़ करने का मतलब क्या है कि उससे काफ़ी इंस्पायर हुए थे। तो यहाँ आप कहेंगे बिशप जोसेफ बटलर, जिनकी जो है एक एनालॉगी ऑफ रिलीजियन और थ्री सर्मन्स ऑन हिंदू नेचर, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ। बिशप जोसेफ बटलर की राइटिंग जो है, जैसे एनालॉगी ऑफ रिलीजियन हो गई और थ्री सर्मन्स ऑन हिंदू नेचर, डोमिनेटेड द मॉरल फिलोसफी सिलेबस ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी, और ये कब की टाइम पीरियड है? 1860 का टाइम पीरियड है। इनकी राइटिंग को वो यूज़ किया करते थे, कौन? राणा डे। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हम सोचते हैं कि हमने किसी से कुछ सीखा है, तो सीखने का मतलब क्या है, या तो उनसे डायरेक्ट हमारा डिस्कशन हुआ है या उनकी राइटिंग्स को देखकर हमने कुछ सीखा है समझा है। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन भी आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेने में ईजी रहेगा। एम जी राणा डे की राइटिंग की अगर बात करें, उन्होंने क्या कुछ लिखा है, तो एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द री मैरिज ऑफ विडोज। देखो उसे नाम से पता है कि हम ये एक इनइक्वालिटी क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एग्जांपल भी था कि एक जो लेडी है, सोसाइटी देखिए हमारी कैसी थी, एक लेडी को अगर मतलब शादी से पहले अगर बच्चा हो गया तो उस लेडी को सजा दी गई, लेकिन ये ढूंढने की कोशिश नहीं कही कि उस बच्चे का जो है बाप कौन था, उसका फादर कौन था। तो ये कहते हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा था, तो इन लोगों ने जो इन बातों पे ही आवाज़ उठाई है, जैसे वैदिक अथॉरिटीज़ फॉर विडो मैरिज है, और ये उनकी बुक हैं, एलेबोरेटेड द जो शास्त्रिक सेंक्शन है फॉर री मैरिज ऑफ विडोज़, क्योंकि पहले शास्त्रों में लिखा जाता था, ये लोग
कुछ हद तक तो उसको फॉलो करते थे, लेकिन कुछ सोसाइटी हमारी ऐसी थी जो इन चीज़ों के अगेंस्ट थी कि नहीं, सती प्रथा होनी चाहिए और इनको शादी करने का दोबारा हक नहीं होना चाहिए लाइक। तो लेकिन हमारे कुछ एक सोशल रिफॉर्मर्स आए हैं, ऐसी ज्योतिबा फूले के बारे में अगर देखें, उन्होंने स्थापित किया था सत्यशोधक समाज, और इसका मेन एम्फेसिस किन पे था, मेन इनका जो जोर रहता था वो था ट्रूथ सीकिंग, सच्चाई को जानने की कोशिश करो। सत्यशोधक समाज का मतलब होता है आप सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए। और फूले की जो फर्स्ट प्रैक्टिकल सोशल रिफॉर्म एफर्ट्स हैं, देवर टू एड द टू ग्रुप्स, जिनको सबसे नीचे माना जाता था, टू ग्रुप्स में एक तो वेमेन आ जाती हैं और दूसरे आते थे वहाँ पर अनटचेबल्स। वेमेन भी और अनटचेबल्स भी इनके अगेंस्ट जो है, जब बड़ा सारा डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो ये लोग जो हैं आगे आए, ज्योतिबा फूले, इन्होंने कहा कि नहीं, इनको भी आप इक्वल ट्रीटमेंट दें, बिकॉज वे टॉकिंग अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी यहाँ पर। अब यहाँ पर एक आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट बेगम रोकिया सखावत हुसैन, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? रोकिया सखावत हुसैन, एक तो इनका जो जन्म है, वेल टू डू, एक अच्छी फैमिली में हुआ था, बंगाली मुस्लिम फैमिली में, और उनके जो हस्बैंड है वो काफ़ी लिबरल थे आउटलुक में। उन्होंने उनको कहा भी ठीक है, तुम लैंग्वेज जो सीखनी है सीख लो, उर्दू लैंग्वेज सीख लो, बंगाली, और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज भी सीख लो। और वो सक्सेसफुल ऑथर भी हैं उर्दू में और बंगाली में, जब उन्होंने लिखी थी सुल्ताना स्ट्रीम, टू टेस्ट हर एबिलिटीज इन इंग्लिश, सुल्ताना स्ट्रीम। अब सुल्ताना स्ट्रीम के बारे में भी एक अच्छी बात बता देता हूँ आपको, कि यहाँ पर ये एक साइंस फिक्शन की कैटेगरी में आती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, विच वर्क मे बी कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ साइंस फिक्शन राइटिंग, ऐसा कौन सा वर्क है जो पुराने टाइम में साइंस फिक्शन राइटिंग की कैटेगरी में लिया जा सकता है, वो है सुल्ताना स्ट्रीम बाई बेगम रोकिया सखावत हुसैन। तो ये वो वर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इशू, जो कराची का सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उन्होंने क्या इशू किया था? तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये सेशन हुआ कब था। सो ये सेशन हुआ था 1931 में, 1931 में हुआ था, और इसमें क्या डिक्लेयर किया गया था, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया, इंडिया में फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप के बारे में, वेयर बाय इट कमिटेड इटसेल्फ टू विमेंस इक्वालिटी, और साथ में विमेन की इक्वालिटी के ऊपर भी इन्होंने कहा भी हम इस चीज़ पे भी फोकस करेंगे, इस चीज़ के ऊपर भी हम ध्यान देंगे, ताकि जो फीमेल हैं, औरतें हैं, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। वट आर, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट आर द बैकवर्ड आस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशन। अब देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कोई भी अगर ट्रेडिशन हम फॉलो करते हैं, उसके बैकवर्ड आस्पेक्ट क्या होंगे, जब पुराने टाइम में देखें तो सती था ऑफकोर्स, चाइल्ड मैरिज थी, और द इल ट्रीटमेंट ऑफ द विडोज, विडोज के साथ बुरा व्यवहार करना, विडो क्या होती है, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ये प्रॉब्लम थी उस टाइम। लेकिन 1970s में कुछ मॉडर्न इश्यूज भी जो हैं वो डिस्कवर किए गए थे, ये तो थे पुराने, चलो ये हमने रेक्टिफाई कर दिए, सती को भी हमने रोक दिया, चाइल्ड मैरिज को भी रोक दिया, और जो इल ट्रीटमेंट होता था विडोज के साथ वो भी हमने रोक दिया। लेकिन मॉडर्न इश्यूज़ क्या हैं, जैसे द रेप ऑफ विमेन इन पुलिस कस्टडी, ये पुराने टाइम में नहीं, ये मॉडर्न टाइम में ज़्यादा देखा गया। डावरी, डावरी क्या होती है, दहेज का जो प्रॉब्लम होना, मर्डर हो जाना, कोई मार देता है किसी को, एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन पॉपुलर मीडिया, ये आज के टॉपिक हैं जिन पे हमें डिस्कस करना है, या हम डिस्कस करते हैं, या ये टॉपिक हमारे करंट में चलते हैं। तो बच्चों, ये टॉपिक जो क्वेश्चन थे, ये जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर ये थे आपके लिए जो वाइवा बेस्ड क्वेश्चन हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ और लिंक भी सेंड कर दूंगा, किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है कमेंट सेक्शन में जाकर आप जरूर बताइए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आपका वाइवा बहुत अच्छा होगा, और साथ में आप मुझे मेरे चैनल तरन सर व्लॉग्स पर भी फॉलो करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।